क्योंकि लोगों रोज मत्थे लगते ने, बहुत सारिया समस्यावां ने वो दसना चाहते ने, बहुत सारे एहोजे भी ने जिन्हें फोटो खिंचा ने, फोटो उन्होंने है मेरिया पहला भी पर नवे कपड़े खिंचा तो वो वास्ते असी प्रबंध किया। इस बाद मैं इन्हें पैलेस के आप बैठा गलबात करा, कोई भी समस्या कोई भी किसी किस्म का कोई काम हो दस्यो, क्योंकि तुसी साढ़े अगे होंगे सी, तुसी सानू लेके जांदे सी, इथों खब्बे ने जी इथों सज्जे मुड़ना है, इन्हां दे घर मूर दी लंघना है, इन्हां दे घर मूर दी लंघना नहीं, ये सारा कुछ थोनू पता सी कि इन्हां दे घर मूर दी लंघ के फायदा है, किन्ना दे घर मूर दी जाके मैं टाइम वेस्ट हो फायदा कोई नहीं। पक्का बंद विरोध 2014 दे भी जदों तुसी 2.25 लाख ते मैनू पार्लीमेंट भेजिया, मैं पार्लीमेंट दे विच मुद्दे उठाउण लग्गिया। 2014 दे शुरू च 2015 दे शुरू च धूरी दी जिमनी चोण आ गई, वो अरविंद खन्ना इस्तीफा दे गया, तो 15 दे शुरू च फरवरी मार्च च चोणां आ गई धूरी दी। प्रकाश सिंह बादल की सरकार सी, वो आए संगत दर्शन करन लगे, गोविंद सिंह लौंगोवाल जी उन्होंने उम्मीदवार से, तो उस वेले इस टोल प्लाजे के लगन के चांस बन गए सी, दंद कथा चल पी सी भी इतने बनू, तो बादल साहब ने बड़े बादल साहब मुख्यमंत्री से उस वे तो उन्होंने थोड़े पिंड जाके ये गल कही संगत दर्शन च कि सानू वोटा पाओ, ये टोल प्लाजा लगे नहीं देना, सही है ना, थोड़े पिंड भी आए हो वोटा पा दिया। अप्रैल 2015 दे विच गोविंद सिंह लौंगोवाल जी एमएलए बन गए, बन साल आ भी बन लग गया, 3-4 महीने नू बन लगे टोल प्लाजे, 7 साल की म्याद दी सी, 5/9/2015 5 सितंबर 2015 यह चल पाया, पहली पर्ची कट की सी, बादल साहब ने कहा नहीं लगन देना, पर 3-4 महीने बना के, क्योंकि पहली पता सी कि मोटा ले ली बात देखते हैं इन्होंने कौन पूछ सकता, इतने पर्चे कटन लग गए की कर सकते वोटा वापस ले नहीं सकते, जिम्मे उतले दूजे पास वोटा वापस लैन फिर हूं नहीं मिलती, हम नवी वोटी होगी, चार महीनों के बच्चे चल पाया, 7 साल की म्याद। तो मैं पार्लीमेंट के मुद्दा उठाया कि जी मैनू यह दस दो जगह जगह टोल प्लाजे लागे, ये टोल प्लाजा किन्ने पैसे लेंदा सी, सिंगल दे कार दे 60 रुपये आन जान दे 90, जड़े लाइट कमर्शियल व्हीकल ने उन्हां दा 95 जान दे, जे डबल लेना 145, बस ट्रक जिहड़े 2 एक्सल वाले ने 200 रुपया एक बार का, 295 आन जान, 3 एक्सल वाले 210 एक बार दे, 320 आन जान, 4-6 एक्सल वाले 310 कले जान दे,
457 जाने दे। ते बल्दे साइड दे 6 to 7 एक्सल लड़े ने ट्रक चलते ने जब व्हीकल चलते ने 375 कले जान दे 565 आन जान दे रेट वीरो जदों एकड़ा एकड़ा कला है इधर निकल जो उधर नू है इधर नू हो जाओगे उधर नू है इधर नू हो जाओगे उधर नू है इधर उधर पर घोर है। जदों इन्ना ट्रक वाले नू दिल्ली तो चलते ने महाराष्ट्र तो चलते ने गुजरात तो चलते ने चेन्नई तो चलते ने जो टैक्स दिंदे ही आने वो चीज जेड़ी 5 रुपये की होंगी है इतने आके 95 रुपये की हो जाती है क्योंकि ये टोल प्लाजा दे पैसे जेड़े ने व्यापारी ने तो यह कहना जी इन्ने टोल प्लाजे से लगते इन्ने तारीख बताऊंगा कर करा के कितना कितने गल अपने पा के निपटती 7 साल हो गए चला लिया 2017 च वोटा पांग्रेस जित गई जितन सारे गल लोगों तक फैल गई इल्जाम कह लो भी जेड़ा नवा जो प्यार लिया उन्हें सभा लिया लग 2 रुपये होते हैं कितने जाए घर घर यह कह भी नहीं है फलाना दिनका इधर की सड़क जी भी बनाई होने जो मर्जी करी चल हूं तो है नहीं करे जी गल जाती जाती सो वीरो संगरूर तो लुधियाने जाना है 70 किलोमीटर 2 ने एक अहमदगढ़ के परले पास है जानी के ओने का ही डीजल लगता है ओने का ही टोल प्लाजे जानी कि आप डीजल जोड़ा पवा रहे हैं दुगने रेट से पवा रहे हैं क्योंकि ओने पैसे होर देने पैणगे सड़क से पार्लीमेंट ने मुद्दा उठाया कि जो असं गड्डी खरीदते हैं शोरूम के 8% उस गड्डी की कीमत से सानू रोड टैक्स देना पैंदा दिने ना रोड टैक्स उसकी कीमत जिन्नी की भी गड्डी है तो फिर रोड टैक्स मतलब सड़कों का टैक्स भी गड्डी सड़कों से तुरूगी तो सड़कों से तुम आ लाते असं कि सड़क को जाइए फिर जो टैक्स फिर कि सड़कों का है जो सातों उत्ते लेंगे जो असी सड़क ही किराए से लेनी है मतलब 90 रुपये दे के सड़क 24 घंटे वास्ते अपने को किराए से हो गए फिर जी साढ़े को पैसे लेने फिर वह किधर गए तो वीरो यहोजे क्लॉज पा ले यहोजे अग्रीमेंट कर ले मेरे को फाइल आई मैं कोई किसी का विरोध कर नहीं आया मैं दसन आया थोड़ा क्योंकि मैं थोड़ा पता ही है मैं तो सारा दस देना हूं फाइल आई छे महीने बधाओ जब 50 करोड़ तो उपर पैसे देने पैने मैं कहे कहीं संगरूर तो लुधियाने तो उन्हें टोल प्लाजे वाले मंगते हैं मैं कहे मांग कहते जी किसान अंदोलन करके घाटा पै गया तो कोरोना करके घाटा पै गया 6 महीने बधाओ जी ने 6 महीने अभी होर चलावे जा फिर सू पै मैं क्या जी मैं दोनों ही ना करा कहते जी थोड़ी मर्जी है मैं क्या जी कोरोना जेड़ा है वह नैशनल डिजास्टर है देश से कुदरती पूरी दुनिया से कुदरती आफत आई वह कड़ा कल इस एरिए आई तो कोरोना करके होर बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन हो गए उन्होंने भी तो घाटा झले ही है तुम चलो ना ये कहते ना कोरोना साढ़े से नहीं आया कोरोना लोगों से आया बस नंबर 2 किसान अंदोलन मोदी जी ने गलत कानून बना के तेन 1 साल किसान उसे बैठे बार्डर से अज रात 12 बजे तो बाद यह तो कहाड़ा ये दोनों टोल प्लाजे बंद हो गए हूं इतों इधर सूए पै के नानकिया ने कोई निकल की लड़ नहीं इधर उधरों चोरी हो जाने की लड़ नहीं छाती चौड़ी करके अपनी गड्डी अपना मोटरसाइकिल लेके इसे सड़क से आओ ये थोड़े पैसे ना ही बनी हुई है
ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਦੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ, 10 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲੈ, 4 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਇਕੱਲੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਲਾ ਲਿਓ ਇੱਕ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, 110 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਟੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 120 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲ ਘਟਾ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5-10 ਰੁਪਈਏ, ਚੇਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ ਬੰਦ, ਚੇਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 95 ਹੁਣ 100 ਟੇਪ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਗਈ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਸੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2000 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਛੱਡੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ,
एग्रीमेंट परिवार ना फिर वो एग्रीमेंट करते नहीं सी कि मध्य प्रदेश वो कि राजस्थान कि होर चाहिए जो तो मेरे को मैं उन्होंने कहना काम किन्या वो कहते जी 2000 मैं ना 2500 करो यूनिट एक होर बधा लो बिना कोई रिश्वत दे थोनू CLU थोनू पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्लीयरेंस सारिया मिलनगियां बस साडे धीआं पुत्तां काम दिओ साडे मुंडे कुड़ियां नू काम दिओ और पंजाब तों ही होने चाहीदे आ काम करन वाले जे कोई बाहरों मंगाउणा पैंदा कोई इंजीनियर जिहड़ा इत्थे नहीं मिलदा थोनू महाराष्ट्र तों मंगाउणा पै रिहा है बंगलौर तों मंगाउणा पै रिहा है बस सानू इक वारी उहदा कोर्स दस दो कि उन्हें केड़ी डिग्री की है वो ही कारज खोल के असि इतने थानू अगले साल वो भी दे देंगे कम दो तो आख बेनती कर ली मैं थोड़े आया मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता बहुत छोटी जी सदे से तुम इतने पहुंचे हो संगरूर का धोरी का मीडिया और गर्मी है और आप उधर भी मिलेंगे इन्हों हूं अच 12 बजे तक लंगर लंघा लैन महीने लंघते हैं उस तो बाद फिर मिलते रहेंगे धूरी वाले का मैं जे हर थां बाद भी धन्यवाद कर लग जा ता भी कई जन्म लेने पैणगे धन्यवाद करने लिए इन्ना प्यार का कर्जा धूरी वाले ने कढ़ाया मेरे सिर सो मैं आता जाता रहूंगा मेरा परिवार आता जाता रहा क्योंकि पूरी जिम्मेवारी सारे पंजाब की है ता करके तुसी ये ना महसूस करो कि भगवंत मान कितने आया नहीं सगो माण महसूस करो कि कोई गल नहीं इतनी फिक्र ना कर उधर देख के मैं उधर का पंजाब ठीक कर लिए सारा पंजाब ठीक कर लिए जिस तरह चीमा साहब ने कहा भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब का यह नग की जिहड़ी चमक है ना वह फिक्की जी पै गई सी इहनू दुबारे चमकाउणा है खेडां वाला प्रोग्राम देखो शुरू किया थोड़े बच्चे खेडां वल जा रहे हैं पहले भूल ही गए थे असं पांचवीं छेवीं सत्तवीं अठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं आए मुझे बच्चे ने खेडा ही भूल गए थे असं बास्केटबॉल उच्ची छाल जिमनास्टिक हैंडबॉल बॉक्सिंग तुम देखा मैं जलंधर प्रोग्राम किया किन्ने बच्चे आए 4 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली कि असं हिस्सा लेना है 2 महीने चलनगियां खेडा खेडणगे जित के आउणगे मामा खुश होणगियां उन्होंने घ्यो खवाउणगियां ते उन्हां दा भी ध्यान शाम नूं एक्सरसाइज वल जाऊगा कितने बुरी संगत वल पैण जा कोई ड्रग डुग बारे सोचणगे नहीं आपां आउण वाली पीढ़ी नूं भी बचा रहे हैं ते जिहड़े ड्रग दे विच पै चुके ने उन्हां नूं भी आपां वापस लैके आ रहे हैं ते आ जाओ आपां दुबारे इसे पंजाब नूं पंजाब बनाइए रंगला पंजाब बनाइए इन्नी हाजरी मेरी कबूल कर लियो तो मैं थोनों बधाई देना आया अज के कल तो बाद यहोजे वेले जो तुम 2 टोल प्लाजे संगरूर तो लुधियाने तक के जिहड़े तुहाडे लगभग 180 रुपये जे आउण जाण भी कर लिए 90 इत्थे 90 उत्थे 180 रुपये जिहड़े ने आउण जाण दे बचणगे उस 180 नाल कोई बच्चे नूं खिडाउणे कोई फीस जवाकों की बिजली के बिलों का तुहानूं पता ही है आने वाले दिनों के असी यह करांगे कि 51 लाख बिजली के बिल जिहड़े ने जीरो आउणगे 74 लाख चों 22-25 लाख आ गए क्योंकि हर रोज बिल बनते हैं सानू पुरानी डेट के बिल अजे चल रहे हैं जदों अगस्त 31 तक के कंप्लीट हो गए असी वो तुहाडे सामने दिखा देंगे वो गरंटी भी पूरी करके असी दिखाती जिहड़े कहिंदे सी कि थोणगे जी पैसे जे वो उन्होंने मैं कहना चाहना नीयत साफ हो गए तो सब कुछ हो जाता है बहुत बहुत मेहरबानी बोले सो निहाल आप उत्थे मिलते हैं मैं थोड़ा जिहा मीडिया नूं संबोधन करना।